नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव का महापर्व यानी कि मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई ये वोटिंग आज शाम 6 बजे तक चलने वाली है। चुनावों में मुकाबले की बात करें तो राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 1993 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से यहां पर हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, यानी कि हर 5 साल में यहां पर एक बार कांग्रेस की तो एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है। ऐसे में बीजेपी नेता उम्मीद लगाए हैं कि इस बार भी यह रिवाज जारी रहा तो सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ आएगी। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता सुबह से ही अपने अपने क्षेत्र में मतदान कर रहे हैं और जनता को भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं वोट के बाद भाजपा नेता और झोटवाड़ा के विधानसभा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कहा। राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा, मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे और ज्यादा चाहिए था, और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। खैर, हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है ना कोई संकल्प है, लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी जो 5 साल पिछड़ गए। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। अब सुनिए तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने जनता के लिए क्या कहा। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है और इस प्रकार से कि जैसे बहुत इंतजार में बैठे थे लोग, और ये ठीक इंतजार में आज से नहीं है, आज से 2018 में जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था और 10 तक की गिनती पूरी थी तो 11वें दिन से लोग इंतजार में बैठे थे कि कब वो दिन आए इन झूठे लोगों को सत्ता से भार कर और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। चलिए अब आपको सुनाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की जनता को क्या संदेश दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख तकलीफ कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटना हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। सुना आपने, गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि राज बदलने के लिए और नया इतिहास बनाने के लिए राजस्थान की जनता वोट दे रही है। चलिए अब जानते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने क्या कहा। इसी वोट की पैटी से सुशासन भी आता है और आतंकवाद भी आता है, इसी वोट की पैटी से सत्य भी आता है असत्य भी आता है, न्याय भी आता है अन्याय भी आता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी तो कांग्रेस आएगी। सुना आपने, बीजेपी नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा सरकार ही बहुमत से आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।